Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to YouTube channel. This is Rana Shah here. Dear students, today the topic for discussion is pituitary gland. In this topic, we shall discuss about the lobes of pituitary gland. There are three major lobes of pituitary gland: interior, median, and posterior lobe. So, first of all, हम देखते हैं what is the pituitary gland, कि हमारी body के अंदर इसकी location क्या है और pituitary gland क्यों हमारे लिए important है और इसके कौन कौन से लोब्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द मैमल. ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ना सिक्रीशन खारिज करने वाला एंडोक्राइन मैमल्स के अंदर पाए जाने वाला ग्लैंड है, जो कि ग्रेट कनेक्शन रखता है बिटवीन हाइपोथैलेमस. हमारा जो हाइपोथैलेमस है ब्रेन का पार्ट है, उसके नीचे मौजूद है और इसके सारी सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की. इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको आप नाम देते हैं हाइपोफाइसिस सेरिब्राई. इसका दूसरा नाम हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी है. ओवॉइड शेप ग्लैंड है, यानी कभी बाज किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो है ना एग शेप्ड है, ओवल शेप्ड है, बेजवी शेप का. इसी तरह से इसका जो वेट है 0.5 ग्राम इसका वेट हो सकता है. और डायामीटर की अगर हम बात करें तो डायामीटर इट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट लोकेशन की. डायमीटर हो गया 1 सेंटीमीटर. लोकेशन की अगर हम बात करें कि वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट, तो आपने कहना है हमारा जो ब्रेन है, यानी हाइपोथैलेमस के नीचे एक बून पाई जाती है जिसको नाम दे देते हैं स्फीनॉइड बून. ये स्फीनॉइड बून के ऊपर यानी एक डिप्रेशन है एट द बेस ऑफ द स्कल, ये मौजूद होती है एट द बेस ऑफ स्कल. इसके नीचे एक डिप्रेशन है, एक गड़ा है, एक निशान है जिसको नाम दिया जाता है सीला टर्सिया. और उसके बिलो हाइपोथैलेमस के साथ नीचे जो है ना मौजूद होता है पिट्यूटरी ग्लैंड. और ये पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड होता है एक शॉर्ट स्टैक के साथ जिसको हम नाम देते हैं इन्फंडिब्युलम. ये इन्फंडिब्युलम के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस एक शॉर्ट स्टैक है जिसका नाम है इन्फंडिब्युलम, आपस में जुड़े होते हैं. लोब्स की बात करें, तीन मेजर लोब्स हैं. पहले को नाम दिया जाता है एंटीरियर, मीडियन एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर सामने वाला, मीडियन मिडल वाला और पोस्टीरियर बैक साइड वाला. सो इनको हम देखते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली दो टाइप्स के हैं. अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस. एडिनो हाइपोफाइसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पार्स डिस्टेलस एंड पार्स इंटरमीडिया. वाइल ऑन द अदर हैंड न्यूरो हाइपोफाइसिस इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ओनली वन पार्ट, दैट इज कंसिस्ट ऑफ पोस्टीरियर लोब. वाइल ऑन द अदर हैंड पैरस डिस्टेलस कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, वाइल ऑन द अदर हैंड पैरस इंटरमीडिएट कंसिस्ट ऑन द मीडियन लोब. सो दीज आर द थ्री मेजर लोब, एंटीरियर, मीडियन एंड पोस्टीरियर, जिनको हमने पहले डिस्कस किया है. एंटीरियर लोब जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये जहां प्राइमरी हार्मोन की सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, वहां ये बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो दूसरे टारगेट टिश्यू तक पाए जाने वाले हार्मोन है उनकी सीक्रेशन को कंट्रोल करना और उनकी जो है ना सीक्रेशन को कैसे होती है मैनेज करना, ये ट्रॉपिक हार्मोन को भी कंट्रोल कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड. और ये इंटीरियर लोब जिसका नाम है जी पारस डिस्टेलस और ये एडिनो हाइपोफाइसिस की टाइप में से. सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो ये चूंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, तो आपने इसको एज इट एज लिखना है. हमारे पास चार डिफरेंट टाइप के हार्मोन है, जिनमें पहले नंबर पर है एसटीएच सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, एसटीएच. दूसरे नंबर पर है जी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको आप नाम देते हैं टीएसएच. थर्ड कैटेगरी है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन. और जो फोर्थ कैटेगरी है एसीटीएच एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन. तो ये चार टाइप के हार्मोन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बारीकी के अंदर जाकर इनको देखना है कि ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, ये रिलीज होता है सोमैटो रिलीजिंग फैक्टर और इससे रिलीज होता है कौन सा हार्मोन, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन. और ये सिक्रीशन होती है हाइपोथैलेमस से. अगर ग्रोथ जो है ना हो रही है तो ये सिक्रीट हो रहा है, अगर
ग्रोथ रुक जाए, यानी एडोलेसेंस, यानी हम एज जब जवानी आ जाती है, या हम कहते हैं कि जब अर्ली लाइफ ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, तो उस वक्त इसका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अगर अर्ली लाइफ में इसकी सिक्रीशन हो ज्यादा, मोर स्टिमुलेटिंग, मोर सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन अगर ज्यादा होगा अर्ली लाइफ में, तो एक बीमारी है जिसका नाम है जैगनेटिज्म। जैगनेटिज्म जबकि दूसरी अगर ये मोर एसटीएच है इन द लेटर एज, यानी वो तो था अर्ली लाइफ में, अब ये आखिरी स्टेज के अंदर है जिसको नाम दिया जाता है एक्रोमिगेली, के हैंड फीट और जो जॉज है और उनकी यानी जो जिसामत है वो बढ़ जाती है। अगर इसकी कंसंट्रेशन जो है ना लेस हो, लेस सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन लाइफ के अंदर हो, तो इसको आप नाम देते हैं ड्वार्फिज्म, यानी बूनापन जिसको कहा जाता है। लैक ऑफ थायराइड हार्मोन भी हो सकता है, लैक ऑफ एड्रिनल हार्मोन भी हो सकता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको टीएसएच बोलते हैं, ये भी टीआरएफ टीएसएच हाइपोथैलेमस से खारिज हो रहा है। अगर इसकी कंसंट्रेशन होगी ज्यादा, मोर टीएसएच, देयर विल बी लो थायरॉक्सिन, इंक्रीज ड्यूरिंग द रैपिड ग्रोथ, ये बढ़ सकता है जब ग्रोथ और मूवमेंट या फिर डेवलपमेंट ज्यादा होगी। एसीएच एड्रिनो कार्डिकोट्रॉपिक हार्मोन, एसीटीआर रिलीजिंग फैक्टर है, कार्डिकोट्रॉपिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है स्टीराइड लेवल और इन द ब्लड सिक्रीशन होती है ड्यूरिंग द स्ट्रेस, फेयर, हीट, पेन, इटीजी। फाइनल एंड द लास्ट बात करते हैं, दैट इज नोन एज गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक साल तो बोर्ड में यही लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था कि एक्सप्लेन पिट्यूटरी ग्लैंड विद द गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। इसके अंदर तीन हार्मोन है, एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोलैक्टिन क्या है, तो आपने कहना है प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इनहिबिटेड बाय द पिट्यूटरी इनहिबिटिंग फैक्टर, इट हेल्प इन द मिल्क प्रोडक्शन। जबकि हम दूसरे की बात करते हैं एफएसएच, ये खारिज होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग फैक्टर, एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल के अंदर फोलिकल प्राइमरी फोलिकल डेवलपिंग सेल बनाने में मदद देता है और एस्ट्रोजन बनाने में मदद देता है, व्हाइल ऑन द अदर है, जबकि मेल के अंदर ये एफएसएच एक काम करता है स्पर्मेटोजुआ, यानी जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम से आखिरी जो स्टेज है जिसके अंदर स्पर्मेटेट कन्वर्ट होता है स्पर्म के अंदर, ये एपिथेलियल जेमिनल वेसिकल बनाने में मदद देता है। और ये एलुटिनाइजिंग रिलीजिंग फैक्टर एलएच खारिज करता है फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन एग रिलीजिंग, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद देते हैं। इस एलएच को जरा इनअप्रोप्रिएटली हम कह सकते हैं इट इज नॉन एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजेशन का मतलब है टर्निंग येलो, ये आपके एक एमसीक्यूज है। आईसीएसएच स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल को और ये स्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं इन द टेस्टिस ऑफ द मेल। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। और जबकि जो हमारे पास, यहाँ पर एक चीज बताना भूल गया कि जो हमारे पास पार्स इंटरमीडिया मीडियम पिट्यूटरी, ये किसके लिए, मेलानोसाइट्स खारिज होते हैं मेलानिन की वजह से, डार्किनिंग ऑफ द स्किन, इतना बता देना इनफ है। इसके अलावा पोस्टीरियर लोब, इसके दो हार्मोन है स्टूडेंट, पहले को नाम दे सकते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, जबकि दूसरे को हम नाम देते हैं एडीएच या वैसोप्रेसर एंटी डायबिटिक हार्मोन। इसमें डायबिटीज इन स्पाइडर्स ज्यादा कॉमन है। ऑक्सीटोसिन ये जो है ना मशहूर है फॉर द मिल्क इजेक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क इजेकुलेशन और बर्थ कैनाल के अंदर यूज होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।